हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस चैप्टर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारे जो प्रीवियस चैप्टर था वो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा चैप्टर नंबर था 5 व्हेन पीपल रेबल। इसमें हम जो पॉइंट पढ़ रहे थे कि कैसे एक मुटनी बिकेम्स ए पॉपुलर रेबेलियन बन गया, फिर हमने पढ़ा फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। अब जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे वो था मीरठ टू दिल्ली। तो इसमें दिखाया था कि कैसे जो सोल्जर थे उन्होंने सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट किया था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, और मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या किया था, अपना राजा चुनने का क्या किया था, राजा चुनने का एक इरादा बनाया था। लेकिन जो बहादुर शाह जफर था वो कहाँ पर बंद था, जेल में बंद था, दिल्ली की जेल में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द सिपाही ऑफ मीरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या हुआ कि जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो पूरी रात चलते रहे मीरठ से, पूरी रात चलते रहे, और 10 मई को जब वो दिल्ली पहुँचे तो सुबह 10 मई सुबह मॉर्निंग वो दिल्ली में पहुंच गए। एज द न्यूज़ ऑफ द अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज ऑफ रेबेलियन। जैसे ही ये जो सैनिक थे मीरठ से, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहला ये रेबेलियन किन्होंने किया है, वो मीरठ के सैनिक थे जो 1857 में उन्होंने किया था। तो जैसे ही ये रेबेलियन, जैसे ही ये सैनिक कहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो जो दिल्ली में रेजिमेंट थी उन्होंने भी क्या कर दिया, रेबेलियन स्टार्ट कर दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, जहाँ पर भी क्या किया गया, दिल्ली में जो रेबेलियन हुआ वहाँ ब्रिटिश ऑफिसर को भी मारा गया, आर्म्स एंड उनकी बंदूकों को छीन ली गई, उनका असला छीन लिया गया, बिल्डिंग को आग लगा दी गई। जो ट्रायम्फेंट सोल्जर थे गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लाइव्ड डिमांडिंग टू मीट हिम। अब जो जीते हुए जितने भी सैनिक थे जीते हुए वो सब कहाँ इकट्ठे हो गए, रेड फोर्ट की जो दीवार थी उसके अराउंड सभी इकट्ठे हो गए, और वो किससे मिलने के चाह रहे थे, बहादुर शाह जफर से, क्योंकि वो जहाँ रहता था उसको जहाँ रखा गया था। द एम्परर वाज क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्टेड। जो राजा था बहादुर शाह जफर जो था वो नहीं चाहता था कि ब्रिटिश जो इतनी बड़ी पावर बन गई है इनको वो चैलेंज करे, लेकिन जो ब्रिटिश सोल्जर थे उन्होंने मजबूर, लेकिन जो सोल्जर थे हिंदुस्तान के उन्होंने उसको क्या किया, मजबूर किया। दे फोर्स देर वे इन टू द प्लेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह एज देर लीडर। उन्होंने क्या किया, उसको अपना लीडर क्या करने चुन लिया। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सपेक्ट दिस डिमांड। फिर जो राजा था एजिंग एम्परर बहादुर शाह, उसने उनकी डिमांड को मान लिया, उनकी बात को मान लिया। ही रोट लेटर टू द चीफ एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम अप टू फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। अब बहादुर शाह जफर ने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, उसने जितने भी चीफ थे या जो रूलर थे हमारे हिंदुस्तान में, जितने भी रूलर्स और चीफ थे उन सबको उसने लेटर लिखा और कहा कि सब इकट्ठे हो जाओ, हमें ब्रिटानिया के खिलाफ क्या करनी है, लड़ाई लड़नी है, सब बाहर आ जाओ। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह हैड ए ग्रेट इम्प्लीकेशन। अब ये जो सबसे बढ़िया स्टेप लिया बहादुर शाह जफर ने, ये जो सिंगल स्टेप उसने लिया, इसके बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीकेशन हुए, असरात हुए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जो मुगल डायनेस्टी थी वो हम जानते हैं कि उसने हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में अपनी हुकूमत बनाई थी, यानी कि राज किया था। मोस्ट स्मार्ट रूलर एंड चीफ टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल एम्परर। मुगल रूलर, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे और चीफ टेंस थे जिन्होंने अपनी टेरिटरीज को संभाला था, किसके नाम पर, मुगल एम्परर के नाम पर, यानी कि मुगल एम्परर के सहारे पर उन्होंने भी राज किया था, और भी बहुत सारे राजे थे। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब जब ब्रिटिश रूल का एक्सपेंशन हो रहा, ब्रिटिश रूल आगे आगे बढ़ रहा था, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन। अब ये जो राजा थे जो मुगलों के दम पर जीते थे, जब बरतानिया की पावर इतनी बढ़ रही थी तो उनको ये डर सताता था कि मुगल एम्परर क्या करे, दोबारा कहीं रूल में आए, पावर में आए तो उनको बाहर निकाले, तो यानी कि उनको होप होती थी। दे टू वुड बी एबल टू रूल द
देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी, क्योंकि वो इनके दम पर ही जीते थे और वो चाहते थे कि मुगल दोबारा आएंगे तो वो ये दोबारा राजे बनेंगे, दोबारा इनको अधिकार मिलेगा। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, बरतानी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ऐसा रिवोल्ट होगा। दे थाट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रीज वुड बी डाइड ऑन, वो सोचते थे कि जो हमने कार्ट्रीज में जो कारतूस वाला इशू है, जो जिस पर पिग और काऊ की चर्बी लगी थी, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रेबल चेंजेड एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, लेकिन बहादुर शाह ने जो कहा कि जो रेवेलिन है हम इसको बढ़ाएंगे, तो उसने उनकी सोच को बदल दिया, जबकि उनकी जो सोच थी वो उनके उल्टा हो गया। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्ट, इट गिव्स देम करेज एंड होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट, और दूसरा जब लोगों को मिल गया कि अल्टरनेटिव है, उनको होप हो गई कि बहादुर शाह जफर जैसा एक राजा अभी भी है, फोर्सेस उसके साथ है, सैनिक उसके साथ है, तो उनको होप मिल गई, लोगों को कर्ज हो गया और लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी हो गया कि आप अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते हैं। द रिबेलियन स्प्रेड, अब ये रिबेलियन कैसे फैलता गया। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, तो आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ए लॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, कहता है कि एक हफ्ते तक ब्रिटिश के दिल्ली में जो रूट दिल्ली में जो उनका वो हुआ विद्रोह हुआ, उसके बाद एक हफ्ते तक कोई भी अपराइजिंग कहीं से भी कोई घटना रिबेलियन की नहीं सुनाई दी। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल देन ए स्पोर्ट फ्रॉम मुटनीज बिगन, कहता कुछ टाइम लग गया रिबेलियन फैलने में, लेकिन कुछ वक्त के बाद एक और मुटनी यानी कि एक और रिबेलियन एक और बगावत फिर निकल कर बाहर आ गई। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटेड एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली कानपुर लखनऊ, कहता है रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट, एक रेजिमेंट के बाद हर रेजिमेंट में म्यूटिनी होना शुरू हो गया, यानी कि हर रेजिमेंट में वही बात शुरू होगी जो 1957 वाली हुई, एक जो मिरिट की रेजिमेंट में हुआ वही अब रेजिमेंट के रेजिमेंट एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट में जो सिपाही थे उन्होंने उनके जो ऑफिसर थे उनके ऑर्डर्स को ओबे करना कर दिया डिसओबे करना शुरू कर दिया। तो इस दिल्ली के बाद दिल्ली कानपुर और लखनऊ में भी ऐसे क्या होने लगे म्यूटनीज होने लगे। आफ्टर देम द पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेज आल्सो रोज अप इन रिवेलन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स, इसके बाद क्या हुआ कि जो शहरों के लोग थे और गांव के लोग हैं वो भी रिवेलन में शामिल होने लगे, वो भी रिवेलन करने लगे, विद्रोह करने लगे और रैलियां निकालने लगे। जमींदार एंड चीफ वर हु वर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, जमींदार भी अब क्या होने लगे, जमींदार और चीफ थे वो भी तैयार होने लगे कि ब्रिटिश के खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पाशवा बाजीराव हु लाइव्ड नियर कानपुर गैदर आर्मर फोर्स एंड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, अब जो नाना साहिब था मैंने आपको कहा था जो पेशवा बाजीराव का अडॉप्टेड सन था वो भी इनके खिलाफ आ गया, उसने भी अपनी आर्मी फोर्सेस तैयार कर ली। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उसने अपने आप को पेशवा प्रोक्लेम्ड कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर इन लखनऊ, उसने क्या डिक्लेयर किया कि वो बहादुर शाह जफर जो राजा है उसका वो गवर्नर बन के रहेगा लखनऊ में। ब्रिजिस कादिर द सन ऑफ द डिस्पोज्ड नाना वजीद नवाब वजीद अली शाह बाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, अब जो डिस्पोज्ड बाजिद अली शाह था डिस्पोज में निकाला हुआ जिसको जिसकी राजगद्दी छीन ली गई हो, उसका जो बेटा था ब्रिजिस कादिर उसने भी डिक्लेयर कर दिया कि वह इसके साथ रहेगा, आर्मर्ड फोर्स इसके रिवेलन के साथ आ गया, उसने भी रिवेलन शुरू कर दिया और बहादुर शाह जफर के साथ हो गया। ही टू एक्नॉलेज द सर्जेंटी ऑफ बहादुर शाह, उसने भी कहा कि हम बहादुर शाह के साथ हैं। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द ऑपरेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसकी माँ भी इस विद्रोह में क्या हो गई शामिल हो गई, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी इन झांसी, अब जो झांसी था जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी उसने भी ज्वाइन द रिवोल्ट, उसने भी विद्रोह को ज्वाइन कर लिया, इसमें शामिल हो गई सिपाहियों का जो विद्रोह था एंड फाइटिंग द ब्रिटिश अलॉन्ग द तांत्या टोपे, और उसने तांत्या टोपे के साथ मिलकर रिवोल्ट करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। द जनरल ऑफ नाना साहिब
इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश रानी अवंती व लोडी अब रामगढ़ रेस्ड एंड लीड एन आर्मी ऑफ 4,000 अगेंस्ट द ब्रिटिश। कहता है कि मध्य प्रदेश की जो रानी थी अवंती बाई लोडी, उसने भी 4,000 अपने सैनिकों के साथ ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर दिया, रिवोल्ट शुरू कर दिया, उनके खिलाफ हो गई। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाई द रेबल फोर्सेज, दे वर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल्स। अब जो ब्रिटिश वर ग्रेटली आउट नंबर, आउट नंबर में जो थोड़े से रह गए थे, तो वो इन रेबल फोर्सेज से क्या होने लगे, घबराने लगे। दे वर डिफीटेड, उनको बहुत सारी जंगों में हार, बहुत सारी लड़ाइयों में अब बैटल में हार मिलने लगी। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट रूल इन द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड जॉइन द रेबेलियन। तो जब ब्रिटिश थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी, तो इसमें लोगों का क्या हो गया, लोगों को ये विश्वास हो गया कि ब्रिटिश रूल आप जहाँ से कलेप्स्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और लोग दोबारा पावर में आएंगे, यानी कि हिंदुस्तान में एक बहादुर शाह जफर की हक में एक नई हुकूमत आएगी जो अंग्रेज़ों को बाहर निकालेगी। ए सिचुएशन बाय सरप्राइज पेपर रिबेलियन डेवलप इन रीजन ऑफ अदर पर्टिकुलर 6 अगस्त वी फाइंड ए टेलीग्राम सेंट बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टेलर टू हिज चीफ एक्सप्रेसिंग द फेल्ट फियर बाय द ब्रिटिश। कहता है कि एक टेलीग्राम जो आया था, उससे ये पता चलता था कि ब्रिटिश को अब फियर होने लगा, डर होने लगा है। ओवर मैन आर काउड आर नंबर आर पोस्ड टू द देम एंड एंडलेस फाइटिंग। कहता है उसमें लिखा था कि हमारे मैन जो हैं वो काउड मैंने कम हो गए हैं, और इतने सारे अपोज्ड हो रहे हैं, इतने सारे रिवेलियन हो रहे हैं, हर जगह पर रिवेलियन हो रहा है, तो हमारे बंदे जो है कम पड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम इस फाइट में क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, जमींदार हैव राइजन टू अपोज इट। उन्होंने लिखा था कि गांव में भी ऐसा कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट नहीं है हमारे खिलाफ, उस लेटर में ये लिखा हुआ था। तो वो लेटर किसने लिखा था, टेलीग्राम, एक टेलीग्राम जो आया था लेफ्टिनेंट कर्नल टेलर जे ने जो भेजा था उसे कमांडर चीफ एक्सप्रेसिंग, उसमें फियर को क्या किया था, उसे अपना डर बताया था, उस लेटर में बताया था कि हो सकता है कि हम इनसे अब हार जाएं, क्योंकि हर जगह हमारे खिलाफ रिवोल्ट हो रहा है। तो इसके बाद मैनी न्यू लीडर्स कम आए, मैनी न्यू लीडर्स भी बाहर आकर आए, जो लोगों के साथ हो गए, अलग अलग मजहब से भी लोग बाहर आए। भक्त खान था, ए सोल्जर वर बैठे टुक द चार्ज ऑफ द पार्ट ऑफ हुकम, भक्त खान इसमें से एक था, गाजीज थे, और भी बहुत सारे आए। जो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के हर एक हिस्से से क्या हो गए, जो राजा थे वो इकट्ठे हो गए। जब बहादुर शाह जफर ने उनको लेटर लिखा था, तो सब इकट्ठे हो गए और अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट करने के लिए उतर आए, क्योंकि सब को अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लूटा था, मैंने सबको सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट बैक। तब तक के लिए धन्यवाद।